सामने ही नजर आता है हमको जो शनिदेव का मंदिर, और सामने इधर नजर आ रहा है कार्तिक स्वामी का मंदिर। तो चलिए दोस्तों, हम जा रहे हैं वो पुरातन काल के शिव मंदिर है उसे देखने, पुनतांबा में स्थित ये टेंपल जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। यहाँ पे आज भी अवशेष पड़े हुए हैं जो हम एक नजर डाल सकते हैं उन पर, बहुत ही सुंदर और अहम लगता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे वो जो पुरातन पत्थर है आज भी वैसे ही के वैसे पड़े हुए हैं। हम ऊपर देख सकते हैं सिंह की प्रतिमाएं, बहुत सुंदर और लाजवाब ये मंदिर है यहाँ का। तो हम अंदर जाते हैं, अभी कैमरा सुबह सुबह यहाँ गोदा तट पे, कितनी पुरानी है ये यादें, कितना पुराना है ये मंदिर। तो चलिए दोस्तों, कैमरामैन राहुल दिखाने जा रहा है आपको जो पुरातन मंदिर। वाव, सामने ही नजर आते हैं ये कीर्ति राक्षस के दो, सामने ही नजर आ रहा है हमको नंदी। तो चलिए दोस्तों, वो नंदी का दर्शन हम करने जा रहे हैं। ऊपर का घूंघट भी हम देख सकते हैं कि जो घूंघट आज भी उनकी कलात्मक दृष्टि से कहा जाता है बहुत सुंदर है, आज भी वो पुरातन पत्थर यहाँ पे नजर आते हैं। हर मंदिर के यहाँ पे गणपति का एक मूर्ति होता है जो आज हमें नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, कैमरामैन राहुल के साथ में आप जुड़े हो, तो हम जा रहे हैं अभी ये शंकर भगवान का मंदिर जो आज भी बहुत पुराना है। ये दृश्य देखकर हमारे मन में जो शिवलिंग का दर्शन हम देख रहे हैं, वो शिवलिंग भी कितना पुरातन है हम जान सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय, शिवाय शिवाय। तो दोस्तों, हमने देख लिया ये टेम्पल जो आजूबाजू वाला परिसर है, हम दिखाने जा रहे हैं आपको एक नजर उस पर भी। सामने ही हनुमान जी का टेम्पल्स, जवाब है यह। शनिदेव का मंदिर, तो हम जा रहे हैं दोस्तों अभी हनुमान जी का जो दर्शन करें, जो छोटा सा मंदिर है।